आपको महाकाली के स्वरूप विन्यास के बारे में और ध्यान के बारे में, साथ ही साथ मैंने उस महत्वपूर्ण विषय की ओर कि किस प्रकार से हम किसी देवता को अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं, ये जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण बिल्कुल सामने रखना चाहिए कि जब तक हम इष्टमय नहीं हो जाएंगे तब तक साधना में सिद्धि नहीं मिल पाएगी। इष्टमय होना जरूरी है, और इष्टमय अगर सीधे साधे शब्दों से हो सके, भावनाओं से हो सके, अनुष्ट के साथ हो सके, प्रेम के साथ हो सके तो अच्छी बात है, नहीं हो सके तो इस चेतना मंत्र के द्वारा और आत्म प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा भी वह इष्ट अपने शरीर में समाहित होगा ही। इसलिए नित्य साधना करते समय इस इष्ट को समाहित करने की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। इस पत्रिका के साथ साथ एक बात और, कभी कभी आप, और यह मैं बहुत बिल्कुल प्रामाणिक बात बता रहा हूं, यहां कोई भी बात इस पवित्र स्थान पर बैठ करके असत्य भाषण कभी नहीं करूंगा, अपने शिष्यों को साथ कभी छल नहीं करूंगा, जो भी बात है वो भी कहूंगा, क्योंकि आप शिष्य हैं और मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, मैं आपको अलग थलग मानता नहीं, जो मेरे पत्रिका के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, वे मेरे आत्मस्वरूप शिष्य हैं। आप बहुत तेज पत्रिका करके बहुत तेजी के साथ पहली बार में आपके नाक के अंदर का मल और कफ और सब बाहर निकलेगा, साथ साथ जैसा आपको लगेगा आप देखेंगे तो काफी निकलेगा, इतना तेजी से करेंगे तो मालूम पड़ेगा कई बार भस्त्रिका साथ साथ ब्लड निकल जाता है, नाक से खून निकल जाता है, और जब खून निकलने की खून के कण निकलने की क्रिया हो तो समझिए ये सारा कंठ प्रदेश साफ हुआ है और सांस अंदर से निकल सकती आ सकती है, अन्यथा इतने अधिक जाले इतने अधिक कॉफी इतनी अधिक पी ली है कि सारा ये पीला पीला सा प्रदेश हो गया है, कहीं उसमें पूरी तरह से सांस न जा सकती है न आ सकती है, ले रहे हैं हम यहां से ले रहे हैं। और तेज भस्त्रिका के बाद मैं सब लगा रहा हूं तेज भस्त्रिका, ये सामान्य भस्त्रिका जो आप सुबह की है उससे कुछ होगा नहीं, और तेज भस्त्रिका बहुत तेजी के साथ भस्त्रिका करने के बाद आप एक क्षण के लिए शांत हो जाइए, और शांत होने के बाद ये चिंतन करिए कि अमुक मित्र इस समय क्या कर रहा है, आपको सारा बिंदु सामने स्पष्ट हो जाएगा, ये टेस्ट करने के लिए उसमें आप बिंब आ जाएगा कि ये गिद्धारी लाल अपने घर में घुस कर रहा है, ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और ठीक उस घड़ी देख लीजिए तो दोनों को पूछिए तुम इतनी बज के क्या कर रहे हो, यदि वही बिंब आपके सामने स्पष्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि इस साधना के द्वारा इस क्रिया के द्वारा और भी स्थानों को जिस स्थान को जिस प्रकार से देखना चाहे देख सकते हैं, बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट के द्वारा आप किसी भी घटना किसी भी वस्तु को एकाग्रता लेकर के देख सकते हैं, ये टेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि उस समय आप अपने अंदर के पूरे ब्रह्मांड को इस ब्रह्मांड से समाहित कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सारा ब्रह्मांड और कुछ नहीं मेरे शरीर में समाहित है, तुझे ब्रह्मांड के रूप दर्शन करा तो मैं करा देता हूं कि सब कुछ महाभारत जो कुछ हो रहा है वह तो अंदर समाहित है ही, और अर्जुन ने उस कृष्ण के विराट रूप को देखा तो देखा तो पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में समाहित है, और यदि कृष्ण के शरीर में समाहित है तो आपके शरीर में भी, क्योंकि उपनिषद ने आपको भी ब्रह्म कहा है, मैंने भी आपको ब्रह्म से के रूप में संबोधित किया है, और जो ब्रह्म है उसके शरीर में पूर्ण तो ब्रह्मांड समाहित है, ये बाहर का ब्रह्मांड और अंदर का ब्रह्मांड एक है, एक होने की क्रिया करने की जरूरत है, और यह तरीका है एक करने का। इस क्रिया के माध्यम से आप 100 मील दूर के मित्र को भी देख सकते हैं, समाचार दे सकते हैं, भावना दे सकते हैं, ठीक उसको उसी समय एकदम माइंड में आएगा कि मुझे ऐसा कह रहा है, उसको भी मित्र की याद आएगी, मित्र की याद नहीं आ रही है, आप उसको टच कर रहे हैं, ऐसा मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया। आप दूसरे स्थान की नहीं अपने पहले अपने शहर के स्थान की किसी बहुत अभिन्न मित्र की ऐसा उसको भावना दीजिए, जब ही आप पूर्णतः उद्देश्यता बन जाए तब उसको मित्र को ऐसी भावना दीजिए कि वो आदर्श मुझे मिलने के लिए तैयार हो, बस और दो पर को मिले तो उसको मिला ही नहीं, उनका आज मतलब मुझे आने वाला था, सुबह सुबह याद आया 6 बजे कि मैं तुझे मिलूं, आज टाइम दीजिए,
इसका मतलब है कि आपने उसके माइंड को स्ट्रेच किया था चाहे बीच में 2 मील का 10 मील का डिस्टेंस, बहुत छोटा बिंदु है, मगर छोटा बिंदु अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है। जब अणु की खोज हुई तब तो बहुत छोटी सी बात, मगर उस अणु ने पूरे हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद कर दिया। मैं ये सारा ब्रह्मांड इन मंत्र में समाहित है जिसको दक्षिण कालिका मंत्र कहा गया। किस प्रकार से इस मंत्र से हम पूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं यह समझने की।